नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 सितंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसे फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा जांच करने से कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में फोन टैपिंग को लेकर अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और वहीं दूसरी ओर तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में राजस्थान में जांच करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मुकदमा वापस ले लिया और इसके बाद अब सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा वापस लेने की जानकारी दी। राजस्थान हाईकोर्ट में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज शनिवार को होगा। इस लोक अदालत में हाईकोर्ट में 3 बेंच व सेशन कोर्ट में 9 बेंच मामलों का निस्तारण होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अजीज खान ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य 2000 से अधिक प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 बेंचों का गठन किया गया है और इन बेंचों में राजस्थान उच्च न्यायालय के आसीन जस्टिस को बतौर अध्यक्ष व अधिवक्तागणों को सदस्य नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी को अत्यधिक जटिल बनाकर रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था की जान छोटे और लघु उद्योगों की क्षमता को कुचल कर रख दिया है। श्री गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि गब्बर सिंह टैक्स करार देते हैं और यह एमएसई की लाभप्रदता और उत्पादन क्षमता को कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्षरत छोटे व्यवसाय मालिकों की वाजिब समस्याओं को हल करने के बजाय भाजपा नेता और मंत्री अहंकार और अनादर का सहारा लेते हैं। समाधान सीधा है, एक अकल सरलीकृत जीएसटी और ये कांग्रेस की गारंटी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देशी विदेशी निवेशकों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में 30 सितंबर को इन्वेस्टर रोड शो व 1 अक्टूबर को दुनिया के बड़े देशों के राजनयिकों के संग राउंड टेबल मीट का आयोजन किया जाएगा। उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर पिलानी कस्बे में पेयजल व्यवस्था और शहरी जल योजना में अनियमितता बरतने पर विभाग ने शुक्रवार को 2 कनिष्ठ अभियंताओं को निलंबित किया है। सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया कि शिव कॉलोनी में 2 नलकूपों में पेयजल आवक कम हो जाने से सूखा घोषित करने के लिए 2 अभियंताओं को निलंबित किया गया, जिस पर विभाग ने प्रदीप कुमार को निलंबित किया। और हालांकि मोहल्ले की समिति द्वारा मोटर पंप बदलवाकर नलकूप से पेयजल प्राप्त करने की शिकायत को सही पाया गया। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमें तो कुछ खोना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ पाना ही पाना है, हम इसे अच्छी तरह से पाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हमारे पास केवल 1 सीट है, 1 सीट आरएलपी के पास है और मेरी उन सभी पार्टियों को चुनौती है कि वे अपनी अपनी सीट बचाने के अभियान में लग जाएं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने रजिस्ट्रार को लेकर लिखे गए आरसीए चुनाव कराने के लिए कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संयोजक और विधायक जयदीप बिहानी ने रजिस्ट्रार को लेटर लिखकर इसकी मांग की। दरअसल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग करके सरकार ने 28 मार्च के दिन एडहॉक कमेटी का गठन किया था, लेकिन 6 महीने बाद भी सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नहीं करा पाई और इसका कारण बताते हुए जयदीप बिहानी ने कहा कि पहले के काफी दस्तावेज गायब हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने सरकार से राज्य के बाहर से आयात किए जाने वाले दलहन और मसालों पर टैक्स और शुल्क खत्म करने की मांग की है। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ ने उद्योग का शुक्रवार को यहां प्रांतीय महासम्मेलन आयोजित किया और इसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने तिलहन गेहूं मसालों आदि पर मंडी टैक्स व शुल्क राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों और गोदामों से शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जब्त फंगस लगे 2000 किलोग्राम बेसन के लड्डू को नष्ट कराए जाने की जानकारी मिली। ऐसे ही लड्डू को नष्ट कराया गया कि टीम को हालात इतने खराब मिले कि प्रसाद के लड्डू बनाने का मिश्रण भी सड़कर खराब हो चुका था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भू जल विभाग में तकनीकी सहायक भू भौतिकी के 3 व चिकित्सा शिक्षा ग्रुप विभाग में बायोकेमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अजमेर मुख्यालय पर सचिव ने शुक्रवार को बताया कि तकनीकी सहायक भू भौतिकी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 30 अक्टूबर तक, बायोमिस्ट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक किए जा सकेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कर उन्हें उचित वेतनमान देना चाहिए। गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में एक संविदा कर्मचारी का मामला सामने आने के बाद सरकार से मांग की।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार को आयोजित समान पात्रता परीक्षा में उदयपुर शहर में 92% उपस्थिति रही। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि शांतिपूर्वक परीक्षा आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा माकूल प्रबंध किए गए थे। शहर में दोनों पारियों में मिलाकर 53,518 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। राजस्थान में अजमेर संभाग के केकड़ी का जिला दर्जा बराबर रखने की मांग को लेकर केकड़ी जिला बार संघ ने राष्ट्रीय लोक अदालत में आज शनिवार को कार्य नहीं करने और केकड़ी बंद करने का निर्णय लिया। केकड़ी बार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि लिखित सूचना जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को भी दे दी है और श्री मीणा ने बताया कि केकड़ी बंद का 50 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन किया है। राजस्थान के उदयपुर में खाद्य विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को 69 घरेलू गैस सिलेंडर और 4 मशीनें जब्त की गई। जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर निशा मुंद्रा ने फतेहपुरा आर के सर्किल स्थित 25 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण करके अवैधानिक भंडारण करने पाए जाने वाले 16 गैस सिलेंडर को जब्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हरियाणा में नौकरियां और जमीनों में सिर्फ घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में नौकरी के लिए पैसे लगते थे, लेकिन इसके बाद डबल इंजन की सरकार में युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान मिल रहा है। श्री शर्मा शुक्रवार को हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र के बापोड़ा में बीजेपी की श्रुति चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।